एवरीवन, आप देख रहे हैं किससे कहानी। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड में कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जो कि या तो सामने नहीं आते हैं या तो उसे लोग बेहद कम जानते हैं। आज किससे कहानी के इस एपिसोड में लेकर के आए हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की एक दिलचस्प कहानी। ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि अपने नाम, अपने फिल्मों, अपने अदाकारी, अपनी खूबसूरती की वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में रही। एक वक्त ऐसा था जब उनकी खूबसूरती की, उनकी फिल्मों की बात होती थी। लेकिन आज अगर ऐश्वर्या राय के बारे में पूछा जाए, उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में पूछा जाए, तो शायद उनके फैंस को ये मालूमात नहीं होगी। वहीं अगर ऐश्वर्या के विवादों के बारे में पूछा जाए तो इन दोनों ऐश्वर्या राय बच्चन अपने परिवार के विवादों में काफी ज्यादा उलझी हुई है। ऐश्वर्या राय को लेकर के कई दिलचस्प बातें पता चली। ऐश्वर्या राय के डाइवोर्स की खबरें हों, चाहे उनकी बेटी की खबरें हों, उनके घर के झगड़ों को लेकर के खबरें जो हैं वो सामने आ रही है। हालांकि ऐश्वर्या लंबे वक्त से फिल्मों से कुछ इस कदर से दूर हैं कि उनकी कोई बड़ी फिल्म या यूं कहें कि कुछ हिट फिल्में जो हैं वो सामने नहीं आती। बहुत ही कम अब वो फिल्मों में नजर आ रही है। हालांकि यह दिल है मुश्किल में उनकी अदाकारी के लिए उनको काफी ज्यादा सराहा गया था। इसके अलावा सरबजीत में भी उनका रोल काफी ज्यादा याद किया गया। इसी बीच में ऐश्वर्या राय बच्चन आखिर आज जिस पायदान पे है, जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस, सबसे ज्यादा चर्चाओं वाली दौलत शोहरत जो भी आज मिला है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। कोई ना कोई एक्ट्रेस की अलग अलग कहानी होती है। हर एक्ट्रेस की कहानी में कोई दिलचस्प मोड़ होते हैं। ऐश्वर्या राय की कहानी में कौन से ऐसे दिलचस्प मोड़ थे, आज इसके बारे में बताते हैं कि कैसे एक सवाल ने ऐश्वर्या की जिंदगी को बदल दिया और कैसे ऐश्वर्या ने सवाल के जवाब को हैंडल किया और ऐश्वर्या राय के जवाब ने उन लोगों को खुश किया जो ऐश्वर्या की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। ऐश्वर्या राय का साल 1954 उनके लिए सबसे ज्यादा यादगार साल रहा, जहां पर ऐश्वर्या ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसे मुकाम को हासिल करेंगी जो उनकी करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। और कहा जाता है कि 1954 के बाद से जब ऐश्वर्या ने अपने उस मुकाम को हासिल कर लिया था, वो कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखी। ऐश्वर्या राय का ये दिलचस्प किस्सा देखिए। 19 नवम्बर 1954 ऐश्वर्या राय के लिए ये दिन बेहद खास था, जब ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। ऐश्वर्या राय आज शायद वो नामचीन चेहरा ना होती जो बॉलीवुड पर तो राज करती ही हैं, साथ ही अपनी खूबसूरती से पूरे दुनिया भर में राज कर रही हैं। अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चाओं में आई ऐश्वर्या राय के लिए 19 नवंबर 1954 का दिन उनके करियर का, उनके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट दिन साबित हुआ। ये दूसरी बार था जब कोई भारतीय सुंदरी मिस वर्ल्ड बनी थी। उस वक्त ऐश्वर्या की उम्र महज 21 साल की थी। 86 देशों की सुंदरियों ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया था। ऐश्वर्या ने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर ये प्रतियोगिता जीती थी, लेकिन इसके पीछे आखिर वो कौन सी ऐसी वजह थी जिसने ऐश्वर्या को इस कंपटीशन का विनर बना दिया, ये भी एक दिलचस्प सवाल है। दरअसल इस मौके पर हम आपको वो सवाल बताते हैं जिसकी वजह से ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। ऐश्वर्या ने सवाल पूछने के लिए जज कैथरीन कैली लैंग को चुना गया। ऐश्वर्या से इस जज ने जब सवाल पूछा तो वो सवाल था, अगर आप आज विश्व सुंदरी का खिताब जीत जाएं तो क्या करेंगी और 1954 की मिस वर्ल्ड में क्या खूबी होनी चाहिए। ऐश्वर्या से जब ये सबसे हार्ड सवाल पूछा गया तो ऐश्वर्या ने बड़ी ही सादगी से इसका जवाब दिया। ऐश्वर्या ने कहा कि अभी हमने जितनी भी मिस वर्ल्ड देखी है, उन सभी में दया भाव है, जिनमें सिर्फ बड़े लोगों के लिए दया नहीं बल्कि उनके लिए भी जिसके पास कुछ भी नहीं है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो इंसान के बनाए बैरियर, राष्ट्रीयता और रंग से आगे देख सकते हैं। हमें उनसे भी बढ़कर देखने की जरूरत है, तभी एक असली मिस वर्ल्ड उभरेगी, एक सच्चा इंसान। ऐश्वर्या अब एक सफल बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। उन्होंने साल 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की। अब उनकी बेटी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कहा जाता है कि ऐश्वर्या के इसी सवाल के जवाब देने के बाद से ही उन्हें करियर का एक टर्निंग पॉइंट हासिल हुआ। ऐश्वर्या के मिस वर्ल्ड बनने के बाद से ही कई फिल्मों के ऑफर उन्हें मिले। ऐश्वर्या ने 1954 में मिस वर्ल्ड पेगमेंट में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में सुष्मिता सेन भी थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आखिरी चरण तक सुष्मिता और ऐश्वर्या के बीच में टाई हो गया था। जज ने दोनों को 9.33 नंबर दिए थे। इसके बाद ये तय हुआ कि दोनों में से एक एक सवाल पूछे जाएंगे। जो इसका अच्छा जवाब देगा वो मिस वर्ल्ड का खिताब जीत जाएगा। इसी के साथ सुष्मिता सेन विजय होकर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीत गई और दूसरे नंबर पर ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बन गई थी। ऐश्वर्या राय का दिलचस्प किस्सा उनके मिस वर्ल्ड की जर्नी को लेकर के आएंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।